फाइनली हम लोगों की गाड़ी जो है वो आ गई है, यहाँ पे उतर गई है रोड पे, और यहाँ पे कोई भी बर्फ नहीं है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो सुबह सुबह कुछ ऐसा नज़ारा है, हल्की हल्की बर्फ पड़ रही है और बहुत सुंदर है। तो बहुत बढ़िया नींद आई, नींद में कोई दिक्कत नहीं हुई, जो स्लीपिंग बैग थे, जो कंबल थे, उनमें बहुत अच्छे से सो गए थे। काफ़ी बर्फ़ पड़ रही है इस वक्त, काफ़ी तेज़ बर्फ़ पड़ रही है, मज़ा आ रहा है। अभी हम लोग बस थोड़ी देर में यहाँ पे फ्रेश तो मैं हो लिया था सुबह 5 बजे उठ के, तब भी बर्फ़ पड़ रही थी। अभी थोड़ा सा ब्रश करते हैं, मुँह धोते हैं, चाय पीते हैं और फिर हम लोग निकलेंगे पराशर ऋषि के आश्रम की तरफ। तो काफ़ी तेज़ बर्फ़ गिरना शुरू हो चुकी है और आसमान पूरा घिरा हुआ है, बादल बादल हैं। तो अभी ये बर्फबारी थोड़ी देर तक चालू रहेगी। सुबह सुबह ठंड के मारे जला ली गई है आग, पी जा रही है चाय, क्योंकि रास्तों पर बर्फ़ जो है वो जम सी गई है जितनी बर्फ़ गिरी है। तो देखते हैं कि क्या होता है, हम लोग कितने बजे यहाँ से निकलते हैं। तो हमने पराशर भी घूमना है, तो ये भी एक है, और उसके बाद हम लोग नीचे की तरफ बढ़ेंगे। और इस तरीके से ये रोड पर बर्फ़ जो जम जाती है, इस पे अगर बाइक गई तो काफ़ी स्लिप करती है, बहुत ज़्यादा स्लिप करती है बाइक इस पे। कैसा वेद, मज़ा आ रहा है? तेरी पहली बर्फबारी है? पहली है। रुई जैसा एकदम ये गिर रहा है बर्फ, और जब मुंह पे ठंडा लगता है। नाइस प्लेस है। हाँ पराशर हमेशा से मेरा आने का मन रहा है। हाँ स्टे करना है पराशर से, तो पहले थोड़ा सा आपको 2-3 किलोमीटर और आगे आना पड़ेगा, और थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा क्योंकि रास्ते बहुत इधर उधर घूमते हैं, तो अगर आप थोड़ा वही इधर उधर गए तो भटक गए। तो अभी ये बर्फ़बारी की वजह से हम लोगों ने अभी आगे जाने का प्लान कैंसिल कर दिया और फिलहाल वॉक कर रहे हैं पराशर लेक की तरफ। और ये भारी बर्फ़बारी जारी है। हाँ भैया क्या हो गया? आओ आओ आराम आराम से आओ, धीरे धीरे फिसलना मत, फिसलोगे तो चोट लग जाएगी। तो ये पूरा रोड है जिसमें अभी लोग चल रहे हैं, इसी पे हमें बाइक चला के जाना था पर फिलहाल के लिए कैंसिल, क्योंकि ऐसे में समझ में भी नहीं आ रहा कि रोड कहाँ पे ख़त्म हो रहा है और बर्फ़ कहाँ पे है। तो इट्स बेटर टू बी सेफ रदर दैन सॉरी। ये है इस वक्त पराशर लेक, बिल्कुल फ्रेश बर्फ़ में, थोड़ी सी वो दिखती हुई हल्की सी। बैठे हुए हैं पराशर ऋषि आश्रम में, और सामने ही लेक है, पूरी वाइट स्नो, बिल्कुल फ्रेश स्नो अभी पड़ ही रही है, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत और बहुत ही अच्छी, बहुत ही बढ़िया फीलिंग आ रही है यहाँ पे बैठ करके। और पराशर ऋषि आश्रम में यही हम लोग आना था, यही हम लोग का प्लान था, मेन प्लान हम लोग का पराशर लेक का ही था, पराशर ऋषि आश्रम का था, तो वो हम लोगों ने कर लिया। अब यहाँ से आगे देखते हैं कि कब और कैसे निकलना है हम लोगों को। ओह पराशर ऋषि आश्रम के सामने खड़े हैं इस वक्त, यहाँ पर भी रुकने की व्यवस्था है, यहाँ पर भी अगर आप आते हैं तो रुक सकते हैं, पर हम लोग कल रात में काफ़ी अंधेरा हो गया था तो हम लोग तुरंत अकोमोडेशन देख रहे थे, और यहाँ आने के लिए अगेन आपको थोड़ा सा ऊपर चढ़ के आना पड़ता है, गाड़ी मोटर नहीं आ सकती है। पराशर लेक ये सामने है, अभी बर्फ़ की वजह से साफ साफ दिख नहीं रहा है, और ये लेक सामने हमारे है। ऐसे कहते हैं कि जब बर्फ़ पड़ती है तो इतना ठंड नहीं होती है, पर यहाँ थोड़ी तो एक हाइट है, और दूसरा कि हवा के साथ में बर्फ़ पड़ रही है। तो पराशर झील सुरक्षा बाढ़ की शिलान्यास श्री महेश्वर जी ने किया था, झील के समीप अंदर जाना सख्त मना है। तो ये है झील यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत है। और ये जो बर्फ़ में यहाँ पे आने का जो एक अलग ही फीलिंग है, बहुत सुंदर। तो अभी चलते हैं अंदर से विज़िट करते हैं, कैमरा ले जाना मना है, तो विज़िट करके आते हैं और फिर वापस चलेंगे हम लोग अपनी कैंप की तरफ। पूरी वादी जो है सफ़ेद चादर से ढक चुकी है, और इसमें रास्ता किधर है किधर नहीं है कुछ समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल फ्रेश बर्फ़ है ये, एकदम ताजी बर्फ़।
बिल्कुल ताजी बर्फ। आइए लीजिए ताजी बर्फ का आनंद। क्या कर रहा है वेद, बैठ गया तू? लेट जा। वेरी गुड, अब सही है। कैसा लग रहा है, आत्मा तक ठंडक पहुंच रही है? अबे नहीं, ठंडक तो पहुंची नहीं अभी। ठंडक नहीं पहुंच रही? नहीं। बहुत सही, बस मन कर रहा है, आराम है। चलो भाई अभी 1.5 किलोमीटर और चलना है ऐसी बर्फीली रास्तों में। वाह, अब तुम लग रहे हो एकदम एस्किमो। तो बर्फ पड़ते जा रही है और ये समझना मुश्किल है कि हम लोग रुके या निकलें, क्योंकि अगर रुकते हैं और बर्फ पड़ती जाती है तो हमारा निकलना और मुश्किल हो जाएगा। तो अभी कुछ गाड़ियां यहाँ कैंप तक आई थी, कुछ बुलेट्स उस पर लद के और फिर नीचे गई हैं, तो हम लोग भी देखते हैं, कोशिश करते हैं। अभी देखो हालत क्या हो गई हमारी बाइक। ये है हिमालयन, पूरी बर्फ से ढकी हुई, गजब। और ये है भैया हमारी थंडरबर्ड। बहुत सही, कहाँ गई तुम्हारी पन्नी वेद बाबू? पता नहीं स्टार्ट भी होगी या नहीं होगी, चल तो गई। गजब, ये देखो भयंकर। तो बहुत ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है, लगभग 1.5 फीट के आसपास बर्फ है। और हिमालयन और दोनों ही गाड़ी निकल नहीं पा रही है। तो फिलहाल अभी हम लोगों ने 4x4 बोलेरो का इंतज़ाम किया गया है, तो ये गाड़ी अब हम लोग को नीचे तक पहुंचाएगी। और ये कहा जा रहा है कि अगर ये बर्फ़ पड़ती चली गई ना तो यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, और इवन 4x4 भी नहीं आ पाएगी। हेलो डॉगी, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग इन द स्नो, कम लेट्स गो। पेड़ सुबह बिल्कुल खाली थे, अभी बर्फ़ से ढक चुके हैं, और जो रास्ता सुबह दिखाया था वो रास्ता भी बिल्कुल पैक हो चुका है। और ये पहाड़ जो कल हम लोगों ने देखा था काफ़ी सूखा हुआ सा था, आज पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। तो चढ़ गई दोनों गाड़ियाँ बहुत ही मुश्किल से, और हाथ एकदम जम रहे हैं, खून या तो लाल या नीले ऐसे पड़ जा रहे हैं। और पूरी गाड़ी ये भी स्किड कर रही है, 4x4 है उसके बाद भी। यहाँ पे कल रात में हम लोग रुके हुए थे, अभी सब पूरा कवर हो चुका है स्नो से, और ये पहाड़ भी पूरे कवर। गाड़ी भी इधर वहाँ पे फंस गई है, वो तो शायद स्किट कर रही है। 4x4 गाड़ियाँ भी स्किट कर रही हैं, मेरी वाली भी गाड़ी काफ़ी उस ऊंचाई से स्किट करके पीछे तक आई, काफ़ी डेंजरस है। वो भी अटक गई है पीछे, वो निकल नहीं पा रही है क्योंकि उसके टायर स्लिप कर रहे हैं 4x4 होने के बावजूद। तो आप समझ सकते हो कि माहौल क्या है यहाँ पर। फिलहाल अभी निकलती है यहाँ से, तो नीचे अपडेट करते हैं। तो अभी भी हम लोग की गाड़ी जो है वो निकल नहीं पाई है, नहीं होता है तो मैं तो कहता हूँ यहीं रुक जाते हैं, क्या भेजें है ना, बहुत रिस्क लग रहा है। बहुत देर हो गई हम लोग को, अंधेरा हो चुका है ऑलमोस्ट, पूरी वादी जो है कोहरे से गिर गई है और ये गाड़ी निकल नहीं पा रही यहाँ से। फाइनली पहुंच पाई। फाइनली हम लोगों की गाड़ी जो है वो आ गई है यहाँ पे, उतर गई है रोड पे, और यहाँ पे कोई भी बर्फ नहीं है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। बस हम लोग यहाँ से और नीचे की तरफ निकलेंगे, सामान बांधा जाए भाई। तो फाइनली सारा सामान वगैरह बन गया है गाड़ी पर, और बर्फ़ अभी भी जमी हुई है, ये देखो
और बारिश हो रही है इस वक्त भी। जल्दी से जल्दी नीचे की तरफ बढ़ते हैं, उसी में ही गनीमत है। तो आज अभी तक जो है हम लोग लगभग 23 किलोमीटर पराशर से नीचे आ गए, क्योंकि उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगर हम रुकते तो हो सकता था कि और फंस जाएं, क्योंकि बारिश ऑलरेडी हो रही है और ऊपर तो मौसम और भी ख़राब था। तो फिलहाल आज का दिन करते हैं समाप्त, कल हम लोग यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। हमारा मेन था पराशर, वो कम्प्लीट हो गया है और अब हम यहाँ से वापस की तरफ, घर की तरफ निकलेंगे। गुड नाइट, बाय बाय एंड टेक केयर।